तो बेटा, सो जो कॉन्सेप्ट अंडर डिस्कशन था, दैट वाज टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। वी वर डिस्कसिंग टीडीआईडी, टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। हाँ, यू कैन से कि ये इंस्टेंटेनियस डायपोल है। सो आप लास्ट रिकॉर्डिंग देखना, जो से कल वाली, तो उसमें डिटेल से डिस्कशन हुई है कि हाउ दिस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, और इसको टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स क्यों बोलते हैं, कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। नाम व्हाट वी डिस्कस, कि ये जो टीडीआईडी है, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द अदर रूल बेटा वी डिस्कस्ड, कि अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। सर वो पीडीटी हाँ, पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स भी होगी और टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स भी होगी, ठीक है। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सिर्फ टीडीआईडी इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल द ओनली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज टीडीआईडी, टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स इज द ओनली ओनली फोर्स। अच्छा, एंड दिस टीडीआईडी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को कल मैंने डिटेल से बताया था, कौन से मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे, जो सर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर होंगे, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, कौन से बेटा, हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर होंगे। इसी तरह नोबल गैसेस भी नॉन पोलर होंगी, इट्स ऑल रिविजन, ओके। और फिर जिन मॉलिक्यूल्स में डायपोल सम जीरो होगा वो भी नॉन पोलर होंगी। तो बेटा, फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है। हाँ, तो टीडीआईडी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ, तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रेप्टॉन है, ज़ीनॉन है। तो बेटा, अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, हीलियम में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। फिर आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्रेप्टॉन में 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर ज़ीनॉन में 54 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप बेटा क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से टीडीआईडी इंक्रीजिंग, टीडीआईडी इंक्रीज होने की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग। एनी कंफ्यूजन बेटा, तो ये हर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अप्लीकेबल है, ये कॉन्सेप्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में अप्लीकेबल होगा, ओके। सिर्फ मॉलिक्यूल्स पर है, वैसे एटम्स पर नहीं है। एटम्स में, नोबल गैसेस के एटम्स पे अप्लीकेबल है, ये भी तो एटम्स है ना, नोबल गैस। बेटा, यू रिमेम्बर एल्केन, ओ लेवल्स में व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, CnH2n। सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन इज मीथेन, देन द सेकंड मेंबर इज इथेन, देन द थर्ड मेंबर इज प्रोपेन, देन फोर्थ मेंबर इज ब्यूटेन, एंड सो ऑन। तो बेटा, व्हाट हैपेंस डाउन द ग्रुप इन दिस होमोलोगस सीरीज, व्हाट हैपेंस टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्लीज तो जब नंबर ऑफ, और हाइड्रोकार्बन सारे नॉन पोलर हैं, ठीक है, तो अब वही आंसर है, डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लीज जिसकी वजह से टीडीआईडी, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करेगा। तो डाउन द होमोलोगस सीरीज मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, व्हाई, बिकॉज टीडीआईडी इंक्रीजेस जी। दोनों दोनों डिपेंड करते हैं टीडीआईडी के मैग्नीट्यूड पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से टीडीआईडी इंक्रीज होगी,
टीडीआईडी इंक्रीज होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, राइट। सो दीज वर सम एग्जांपल्स बेटा, जो कि आपके नोटिस में होने चाहिए। अच्छा जी बेटा, मेल्टिंग पॉइंट्स या बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वर्सेस मीथेन, पहले आप ये डिसाइड करें क्या दोनों नॉन पोलर हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नॉन पोलर है, उसमें तो बॉन्ड पोलैरिटी है। लुक, ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, तो व्हाई यू से कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर। डाइपोल सम इज जीरो, सो डायपोल डायपोल को डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो डायपोल सम तो डायपोल्स का एडिशन के बाद जो रिजल्ट है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और मीथेन भी नॉन पोलर है, क्यों बेटा मीथेन क्यों नॉन पोलर है? नहीं, उसमें बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन में हम बॉन्ड पोलैरिटी कंसिडर नहीं करते। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, प्रोटॉन नंबर 6 है कार्बन का, मैस नंबर 12 है, प्रोटॉन नंबर 6 है, 8 2s are 16 एंड 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, ऐसा है। मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 + 4 दैट हैपेंस टू बी 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बेटा डिसाइड करें इसमें, तो इसमें होगा ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ टीडीआईडी। ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ टीडीआईडी, जी बेटा क्या कह रहे हो? परमानेंट डायपोल नहीं होगी क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं, ठीक है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ टीडीआईडी ज्यादा होगा उसका ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, वाइस वर्सा फॉर मीथेन। गॉट इट? दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको, चलें जस्ट लिख लें इसे। ये इस क्वेश्चन का क्या करना है, अगर ये बोलें कि वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ICl इज ग्रेटर देन I2, क्या बेटा इसका? पोलर है और उसके अंदर वो पीडी शाबाश, ग्रेटर देन I2, बेटा आप इसका क्या आंसर करोगे? ICl में देखो ये Cl पार्शियल नेगेटिव है और H क्या और I क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है। तो ICl क्या है? पोलर है। तो जब पोलर है तो इसमें परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स भी प्रेजेंट है और टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स भी प्रेजेंट है, जबकि I2 में ओनली ओनली टीडीआईडी प्रेजेंट है क्योंकि I2 इज नॉन पोलर। वैसे पीडीडी वाली फोर्स पीडीआईडी को ज्यादा उपयोग PDD परमानेंट डायपोल फोर्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होती है TDID से। परमानेंट डायपोल फोर्सेस लिटिल स्ट्रॉन्गर देन टीडीआईडी, तो ये ओनली टीडीआईडी फोर्स प्रेजेंट। सो बेटा इससे क्या होगा, आप क्या बोलोगे कि ICl हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड, क्या लिखोगे? ICl हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो कंपेयर टू फ्लोरीन, कंपेयर टू आयोडीन, कंपेयर टू I2, दैट इज द रीजन के मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ICl इज ग्रेटर। एग्जामिनर ने यहां पे आपको फोर्स किया हुआ है ना, एग्जामिनर ने खुद आइडिया दिया हुआ कि ये ग्रेटर है उससे, आपने तो इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करना ना, तो वो ग्रेटर क्यों है उसके लिए रीजंस ढूंढने पे, ठीक है। इज ग्रेटर
आई टू। तो बेसिकली हम जो गिवन क्वेश्चन है उसके कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं। ये बेटा सही है, आप ठीक कह रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आईसीएल, इट शुड बी आईसीएल। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आईसीएल इज ग्रेटर देन आई टू। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन एंड एन टू, एन ई, नियॉन। नियॉन और मीथेन में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? दोनों नॉन पोलर हैं। मीथेन इज नॉन पोलर, नियॉन इज नॉन पोलर। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मीथेन में? 6 प्लस 4, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और नियॉन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन सेम हो फिर क्या करना है? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जब इलेक्ट्रॉन सेम हो तो फिर आपने सरफेस एरिया देखना है। बेटा रूल क्या है कि व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, यस, फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। असल में टीडीआईडी की बात हो रही है, फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, तो फिर क्या होगा? देन टी डी आई डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, और जिसके एटम ज्यादा होंगे उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जिसके एटम ज्यादा होंगे उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो CH4 का सरफेस एरिया ज्यादा होगा या नियॉन का? तो ये सरफेस एरिया तब देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन सेम हो। अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है फिर सरफेस एरिया नहीं देखेंगे। तो व्हाट यू विल से, मीथेन हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, हैज ग्रेटर सरफेस एरिया देन नियॉन, हैंस ग्रेटर टीडीआईडी, ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ टीडीआईडी, टीडीआईडी मैग्नीट्यूड इन CH4 देन नियॉन। तो फिर किसका बेटा मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर हुआ? ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट हुआ ऑफ CH4 देन नियॉन। गॉट द आइडिया बेटा? बेटा इसी रूल को अप्लाई करके आप ये बताएं, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, गॉट द आइडिया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन वर्सेस हीलियम, आपको क्या ख्याल है किसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा, हाइड्रोजन का या हीलियम का? जी बेटा बताएं क्यों बेटा? इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों में सेम है ना, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी, लेकिन सरफेस एरिया किसका ग्रेटर होगा? H2 का ग्रेटर सरफेस एरिया होगा। हाँ, ग्रेटर सरफेस एरिया का मतलब है ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ टीडीआईडी। लेकिन सरफेस एरिया कब चेक करना है? जब इलेक्ट्रॉन्स सेम हो तब सरफेस एरिया चेक करना, वरना इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर डिसाइड करना है ग्रेटर टीडीआईडी। देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो ये रूल है कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा देन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। रूल क्या है बेटा? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, इनका होगा ग्रेटर सरफेस एरिया। ओके, ग्रेटर सरफेस एरिया स्ट्रेट चेन का होगा, जबकि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स का, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स विल हैव लेस सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया। वर्कशीट बेटा करेंगे बॉन्डिंग की। तो फॉर एग्जांपल बेटा यू रिमेम्बर बॉन्डिंग शेप्स तक आएगी, C4H10। बेटा इसके कितनी पॉसिबिलिटीज हैं C4H10 की? तो
इसके आइसोमर्स आपको याद हैं बेटा? बेटा इधर देखें जरा, कैन आई राइट दिस सी फोर एच टेन लाइक दिस? दिस इज ब्यूटेन, कैन आई राइट लाइक दिस? सी फोर एच टेन कैन बी ब्यूटेन एंड इट कैन बी टू मिथाइल प्रोपेन, इट कैन बी टू मिथाइल प्रोपेन, ऐसा है बेटा? तो अब किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? देखो सरफेस एरिया इस तरह समझ आएगी, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं ब्यूटेन के, एक एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ ये दो मॉलिक्यूल्स हैं टू मिथाइल प्रोपेन के। बेटा सामने देखें, स्टॉप राइटिंग, बताएं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट किस में ज्यादा है, सरफेस इन कॉन्टैक्ट किस में ज्यादा है, ये सरफेस ज्यादा है या ये सरफेस इन कॉन्टैक्ट ज्यादा है? अच्छा ये है ग्रेटर सरफेस, तो इसलिए वो रूल अप्लाई हो रहा है, जो स्ट्रेट चेन है उनकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी। लेकिन क्या दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों सेम है? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स सेम है, तो सरफेस एरिया कब चेक करना है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, तो फिर उस केस में सरफेस एरिया देखना है, ग्रेटर सरफेस एरिया बेटा इस मॉलिक्यूल का है। हाँ अच्छा यस, बताएंगे आपको मॉलिक्यूल, तो ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ टीडीआईडी, तो फिर बेटा ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा इस ब्यूटेन का, और वाइस वर्सा विल बी फॉर द अदर मॉलिक्यूल। कंफ्यूजन बेटा?